हेलो गाइस, वेलकम टू शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये आप क्लासिफिकेशन के नाम से ही समझ जाएंगे। आज की क्लासिफिकेशन है NSAIDs ड्रग्स की, जी हाँ, जिनका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिनको NSAIDs भी बोला जाता है, और इन्हीं को एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक्स ड्रग भी बोला जाता है। अब काफ़ी कुछ तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि नॉन स्टेरॉयडल यानी स्टेरॉयडल नहीं है, ऐसी ड्रग आ रही हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि जो सूजन वगैरह इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं वो। अब क्या बोल रहा है, एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक, पेन किलर वगैरह भी आएंगे यहाँ पे। तो ये सारी ही जो है कैटेगरी की ड्रग आपको यहाँ पे जो है पढ़ने के लिए आज मिलने वाली है। आप बस इतना करिए कि बने रहिए आज के हमारे इस लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड इम्पॉर्टेंट हो रहा है इसलिए क्योंकि ये कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। फार्माकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इसे आपको केयरफुली पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप करे हुए। आज हम आपको बताने वाले हैं इसमें कितनी कैटेगरीज आती हैं, कितनी ड्रग हैं, कौन सी कैटेगरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से ड्रग ज़्यादा आती हैं और कौन सी ड्रग सबसे ज़्यादा फेमस है, सारी ही चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे सबसे पहले हम जो कैटेगरी स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर। अब यहाँ पे कॉक्स टू इनहिबिटर जो हैं इनमें कौन सी ड्रग आती हैं, इनकी क्या ट्रिक है, ये सारी ही चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। आज से पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए उसमें मोस्ट ऑफ द वीडियो ऐसे रहे हैं कि जिनमें मैंने ट्रिक को बोला है, लिखा नहीं है। लिखने को मैं आपको बोला करती थी कि आप नोट डाउन कर लें, अपनी नोट पैड लेके बैठें, लेकिन आज आपको अपनी नोटबुक उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको सिर्फ केयरफुली वीडियो को लर्न देखना है, उसको लर्न करना है, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर ड्रग है ये हमारी पहली कैटेगरी है इस क्लासिफिकेशन में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉक्स टू इनहिबिटर, कॉक्स टू को इनहिबिट करने वाली जो कॉक्स टू रिसेप्टर है उसको इनहिबिट, वहाँ उस रिसेप्टर पे जो ड्रग देंगे हम उसके एक्शन को इनहिबिट करने के लिए, वो ड्रग कौन सी है, तो यहाँ पे जो ड्रग है वो है निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनिक, इटोडोलेक, मेलोक्सिकेम एंड एसिक्लोफेनिक। एसिक्लोफेनिक बहुत ही कॉमन ड्रग है, सबको, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एसिक्लोफेनिक पता होगा, बट ये आपको आज से पहले शायद ही पता हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा, बट कुछ स्टूडेंट रहते हैं ना जिनको नहीं पता कौन से रिसेप्टर पर एक्ट करती है, तो ये इनहिबिट करती है, ये जाके एक्ट करती है कॉक्स टू रिसेप्टर पे। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई भी ड्रग दे देगा और बोलेगा कौन से रिसेप्टर पर जो है एक्ट करेगी या किस रिसेप्टर को इनहिबिट करेगी, वहाँ पे आपको कॉक्स 1, 2, 3 या लॉक्स 5 ये सारे रिसेप्टर्स दे दिए जाएंगे, वहाँ आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कॉक्स 2 को इनहिबिट करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें टोटल है 5 ड्रग, ठीक है, कौन कौन सी, निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनिक, इटोडोलिक, मेलोक्सिकेम एंड एसिक्लोफेनिक। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है याद करना, कुछ भी मेहनत नहीं करना। ट्रिक देखो, ट्रिक में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रिक है निमेश दी ईटो मेलो एसी। अब क्या बोलना है कि प्रिफर, ये मैं आपको बताती हूँ, निमेश क्या प्रिफर करता है, निमेश प्रिफर करता है यहाँ पे देखो, प्रिफर यानी प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर, और ये है निमेश, निमेश प्रिफर करता है दीदी को, क्या बोल रहा है, दीदी को यानी दी को ईटो के मेलो में एसी लगाने के लिए। क्या प्रिफर कर रहा है निमेश, प्रिफर कर रहा है दी को ईटो के मेलो में एसी लगाने के लिए, मेलो यानी कि महलो, ठीक है, यहाँ पे महल है, जो उसकी दीदी है वो महल में रहती है, तो निमेश क्या है, उनका भाई है, तो क्या बोल रहा है, उनको प्रेफर कर रहा है कि एक मतलब प्रस्ताव रख रहा है कि आप क्या करो अपने ईंटों के महलों में यानी अपने घर में एसी लगवा लो, क्या करो एसी लगवा लो, वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो एसी लगवा लेना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या है, फिर से ट्रिक बताती हूँ, निमेश प्रेफर कर रहा है
दीदी को ईंटों के महलों में एसी लगवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक कॉक्स टू इनहिबिटर की कंप्लीट हो गई। आई होप सबको समझ में आया हो, सबको जो है इजी लगी हो। जिनको नहीं समझ में जो है ट्रिक मेरी अच्छी ना लगी हो तो आप अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको याद हो जाए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस कैसे होगा, ये मेरी ट्रिक से हो, आपके ट्रिक से हो, या आपको नॉर्मली बिना ट्रिक के भी याद हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सिर्फ याद करना है, क्योंकि कोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप जीपैट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप नाइपर का एग्ज़ाम दें, इसके बाद चाहे तो आप डीसीओ डीआई का एग्ज़ाम दें, ये सारे ही एग्ज़ाम में जो है आपको फार्माकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको करके चलनी हुई है फार्माकोलॉजी में ड्रग। सेकंड यहाँ पे जो कैटेगरी है प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर के बाद, वो है सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर। याद रखिएगा, ये भी कॉक्स टू इनहिबिटर है, वो हमारी प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर थी, बट ये सिलेक्टेड ड्रग है। सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर पर एक्ट करने के लिए, कॉक्स टू इनहिबिटर पर एक्ट करने के लिए सिलेक्टिव ड्रग कौन सी है, तो यहाँ पे टोटल तीन ड्रग आती है। कौन हमने पढ़ चुके हैं दो कैटेगरी, अब पढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेट्रिक एक्शन। क्या बोल रहा है, एनाल्जेसिक भी है, इसके बाद एंटीपायरेटिक भी है, फिर इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये पुअर यानी बहुत कम एंटी इन्फ्लामेट्रिक एक्शन शो करती है। अब ऐसा क्यों बोल रहा है पुअर, क्योंकि देखो हमारी कैटेगरी क्या है, आज का जो ड्रग की क्लासिफिकेशन है वो क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेट्री ड्रग। यानी उसने पहले ही बता दिया कि ये सारी ड्रग इन्फ्लामेट्री, लेकिन ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये कैटेगरी बोल रही है कि इन ड्रग की एंटी इन्फ्लामेट्री कैटेगरी जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ही कम है, पुअर है। ठीक है, तो अगर ऐसा बोला जाएगा ना कि पूरी NSAIDs में ऐसी कौन सी ड्रग है जो बहुत कम एंटी इन्फ्लामेट्रिक एक्शन देती है, ना नहीं के बराबर या नहीं देती हैं, तो आपको क्या बोलना है कि वहाँ पे एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेट्रिक जो ड्रग आएंगी, यहाँ पे जो कैटेगरीज आएंगी, वही जो हैं इकलौती ऐसी कैटेगरी हैं जिनकी एंटी इन्फ्लामेट्रिक एक्टिविटी नहीं होती है या बहुत ज़्यादा ही कम होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो कैटेगरी पढ़नी है, इसमें टोटल तीन सब कैटेगरीज पढ़नी है। जी हाँ, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेट्रिक एक्शन कैटेगरी में तीन कैटेगरीज आती हैं, वेंजोक्साजोसिन पैराजोलियन डेरिवेटिव एंड पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव। यहाँ पे ये सारी ही कैटेगरी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले आप देख लो वेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव। वेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में जो फर्स्ट ड्रग है वो है नेफोपाम। जी हाँ, नेफोपाम ट्रिक क्या है मैं आपको बताती हूँ, इकलौती ड्रग है, इसके अलावा कोई ड्रग नहीं है। ट्रिक है वेंजो क्या है, वेंजो को नफ़ा हुआ है। ठीक है, वेंजो को क्या हुआ है, नफ़ा हुआ है। देखो अब वेंजो को नफ़ा हुआ है, नफ़ा यानी क्या होता है, नुकसान होना, ठीक है, घाटा होना। तो यहाँ पे वेंजो को नफ़ा हुआ है, ये है वेंजो। वेंजो यानी वेंजोक्साजोसिन, या ऐसे भी बोल सकते हो जो वेंजो है ना, जो वेंजो से क्या रहेगा कि आपको वेंजो के बाद भी क्या है, वेंजोक्साजोसिन, यानी जो के लिए ही मैंने आपको बताया है, जो वेंजो है ना वो क्या कर रहा है, उसको क्या हुआ है, जो वेंजो है, सॉरी अब देखिए यहाँ पे जो वेंजो है उसको नफ़ा हुआ है। तो वेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव की ड्रग कौन सी है, नफ़ा है, नफ़ा यानी होता है नेफोपाम। यहाँ पे ड्रग क्या है, नेफोपाम। ठीक है, अब सेकंड कैटेगरी क्या है, सेकंड कैटेगरी इज पैराजोलोन डेरिवेटिव। सेकंड सब कैटेगरी इज पैराजोलोन डेरिवेटिव। तो पायरा यानी प्यारा, देखो यहाँ पे प्यारा, ठीक है, प्यारा क्या है, प्यारा मेटाप्रोपी है। क्या है, प्यारा मेटा प्रोपी है। तो आप क्या बोल सकते हो कि पायराजोलोन डेरिवेटिव की दो ही ड्रग हैं, फर्स्ट इज मेटा यानी मेटामिजोल, जिसको डायपायरोन भी बोलते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये ड्रग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमने पहले जो दो कैटेगरी बनी है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई एक ड्रग को जो है इंपॉर्टेंट नहीं बताया। प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर एंड सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर, आपको दोनों ही पूरी ड्रग याद करनी है। सेकेंड एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिव विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटिक जो कैटेगरी है, यहाँ पे आपको पायराजोलोन डेरिवेटिव ड्रग में मेटामिजोल डायपायरोन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद करनी है। प्रोपीफेनाजोन जो है इसमें सेकेंड ड्रग है, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया आपको, पायरा मेटा
प्यारा मेटा प्रोपी, तो प्रोपी यानी प्रोपीफेनाजोन। अब यहाँ पे ये जो सेकंड ड्रग है ये आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, नहीं याद होती है, बट आपको मेटामिजोल तो एनी हाउ आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अब तब बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी की। इसमें अब यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी है वो है पैराअमाइनोफेनॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया था थर्ड कैटेगरी, थर्ड सब कैटेगरी जो है पैराअमाइनोफेनॉल डेरिवेटिव। अच्छा, पैराअमाइनोफेनॉल कैटेगरी से ही जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री का नॉलेज है या जिनने पहले भी जो है एनाल जो है हमारी फीवर वगैरह की पैरासिटामोल खाई, उनको पता होगा उसके पीछे भी लिखा ही रहता है पैराअमाइनोफेनॉल डेरिवेटिव है ये, और इसमें एक ही ड्रग आती है पैरासिटामोल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और पैरासिटामोल को ऐसा नहीं कि वो आपको पैरासिटामोल पूछेगा, वो क्या पूछेगा, इसका सेकेंड नाम, सेकेंड नाम क्या है इसका, एसिटामाइनोफेन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एसिटामाइनोफेन ये हो गई। और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक वैसे तो आपको बहुत इजीली याद रहेगी क्योंकि देखो यहाँ पे भी पैरा है, यहाँ पे भी पैरा है, पैरामाइनोफेनॉल डेरिवेटिव, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपको याद रखना है एसिटामाइनोफेन, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है कि पैरा, या ऐसा बोल सकते हो जो पैरालिसिस हुआ है ना वो किसको हुआ है, पारस को हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि वो एसी में रहता था, ये देखो एसी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पारस को क्या हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, या पैरालिसिस हुआ है पारस को क्योंकि वो एसी में रहता था, ठीक है। एसी यानी एसिटामाइनोफेन, इसी को बोलते, कोई अलग ड्रग नहीं है, पैरासिटामोल को ही एसिटामाइनोफेन बोलते हैं। कैटेगरी कौन सी है, पैरालिसिस यानी कि पैराअमाइनोफेनॉल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हो गई है थर्ड कैटेगरी भी कंप्लीट हो गई है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। अब हम चलते हैं फोर्थ कैटेगरी की तरफ। अब यहाँ पे जो है हमारी लास्ट एंड फोर्थ कैटेगरी, इसमें जो है बहुत सारी सब कैटेगरीज दी हुई हैं, बट इसके बाद कोई कैटेगरी नहीं बचेगी, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। जी हाँ, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर यहाँ पे कैटेगरी है। और यहाँ पे जो सब कैटेगरीज हैं वो टोटल 6 सब कैटेगरीज हैं, जो है सैलिसिलेट, इसके बाद प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, थर्ड इज़ फेनामेट, फोर्थ इज़ एनोलिक एसिड डेरिवेटिव, फिफ्थ इज एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एंड आपका जो है लास्ट इसमें सिक्स्थ कैटेगरी है वो है पैराजोलोन डेरिवेटिव। ये कैटेगरी का नाम यहाँ पे रिपीट हुआ है, बट ड्रग जो है इसमें अलग आएंगी, ड्रग और ये कैटेगरी जो है सब कैटेगरी का नाम सिमिलर है, बट आपको कैसे इसको जो है लर्न करना है विथ जो इसका जो है मेन कैटेगरी दी हुई है यहाँ पे नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, उसके थ्रू आपको याद रखना है। जो हमने पहले पढ़ी थी वो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन कैटेगरी थी, यहाँ पे नई कैटेगरी, इसमें नई ड्रग्स आएंगी, इसमें नई सब कैटेगरीज आएंगी। फर्स्ट हम जो यहाँ पे कैटेगरी पढ़ते हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में वो है सैलिसिलेट। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ, एस्पिरिन जो है सैलिसिलेट डेरिवेटिव होता है। एस्प्रिन तो मोस्ट कॉमन ड्रग है, पैरासिटामोल, एस्प्रिन सभी को पता रहता है, सिक्लोफेनेक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एस्प्रिन में एक चीज़ और आज से आप लोग याद रखिएगा कि एस्प्रिन सैलिसिलेट डेरिवेटिव होती है, और ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये आती है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं NSAIDs में सेकेंड कैटेगरी की, जो कि है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। अब प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आपको याद रखना है, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आपको याद रखना है, इसमें टोटल 4 ड्रग आएंगी। कौन कौन सी ड्रग हैं ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ये पढ़ाती हूँ कि इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे नाइफ के थ्रू। जी हाँ, चाकू के थ्रू इसको याद करेंगे कैसे, क्योंकि इसकी ट्रिक जो है वो चाकू ही है, चाकू यानी कि नाइफ। नाइफ की स्पेलिंग हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख रखी है। अब आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि नाइफ यानी कौन कौन सी ड्रग, नाइफ से हम प्रॉपर काटते हैं ना, कोई भी चीज़ को हम प्रॉपर कैसे काटते हैं, नाइफ से। नाइफ यानी आपका हो गया प्रॉपर यानी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, नाइफ से यानी के यानी होता है कीटोप्रोफेन, यहाँ पे देखो कीटोप्रोफेन। इसके बाद आ गया आपका एन से हो गया नेप्रोक्सेन, फिर हो गया आई से आइबुप्रोफेन, एन एफ से हो गया फ्लोरीप्रोफेन। अब एक चीज़ और कॉमन है, क्या कॉमन है, देखो फैन फैन फैन, तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में एक तो ट्रिक ये हो गई कि यहाँ पे जो भी ड्रग आएगी वहाँ फैन लगा होगा, बट एक ड्रग जो यहाँ पे डिफरेंट है वो है नेप्रोक्सेन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बता दी है कि एक तो फैन हो गया, ऊपर से नेप्रोक्सेन में जैन, फैन की जगह जैन भी बोल सकते हो, फैन जैन वाली ट्रिक जो है वो आपके प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में हो गई। और अगर आपको वर्ड्स याद रखने हैं कौन कौन सी ड्रग थी, तो यहाँ पे नाइफ, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन एंड फ्लोरीप्रोफेन, यहाँ पे ये सारी ही सेकेंड कैटेगरी की जो ड्रग हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब चलते हैं
थर्ड सब कैटेगरी नॉन सेलेक्टिव कॉक्सिन की ओर। अब यहाँ पे जो थर्ड सब कैटेगरी है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में वो है फेनामेट। जी हाँ, फेनामेट। फेनामेट यानी होता है, इसमें एक ही ड्रग आएगी फेनामेट डेरिवेटिव में, वो है मेफेनेमिक एसिड। जी हाँ, मेफेनेमिक एसिड। अच्छा, किस किस ने फेना का ऐड देखा? फेना एक डिटर्जेंट है और बहुत पुराना डिटर्जेंट है, और आपने सुना होगा उसका एक टैगलाइन है कि फेना ही लेना। जी हाँ, फेना ही लेना। बट क्या है ना, आजकल फेना वाले क्या कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। जी हाँ, आजकल फेना वाले, फेना डिटर्जेंट वाले माफ़ी मांग रहे हैं। यही है हमारी आज की ट्रिक। कैसे? यहाँ पे देखो, फेना ने मांगी माफ़ी, तो फेना यानी फेनामेट डेरिवेटिव, और यहाँ पे जो ड्रग आएगी मेफेनेमिक एसिड। जी हाँ, मेफेनेमिक एसिड, माफ़ी मांगने जैसा वर्ड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, मेफेनेमिक एसिड। यहाँ पे हो गई आपकी फेनामेट डेरिवेटिव में ड्रग। अब एक चीज़ और आप जो है मेंशन कर लेना कि ये जो फेनामेट डेरिवेटिव है, फेनामेट डेरिवेटिव मेफेनेमिक एसिड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हमारी फोर्थ सब कैटेगरी की तरफ। यहाँ पे जो हमारी फोर्थ सब कैटेगरी है वो है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में दो ही ड्रग आती हैं, फर्स्ट इज पेरोक्सिकैम एंड सेकंड इज टिनोक्सिकैम। जी हाँ, फर्स्ट इज पेरोक्सिकैम, सेकंड इज टिनोक्सिकैम। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनो, इनोलिक से याद रखना इनो, और यहाँ पे देखो दोनों ही ड्रग में कैम कैम वर्ड जो है सिमिलर है। अब ट्रिक क्या है, इनो तीनों ने पी, और कैसे पी, कैम से पी, इनो कैम। ठीक है, ये मैंने आपको दो ट्रिक बता दी, या तो इनो कैम से इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में कैम कैम वाली ड्रग आएंगी, सेकंड इज इनो तीनों ने पी, कैसे पी, कैम से पी, कैन की जगह आपको याद रखना है कैम, तो पेरोक्सिकैम एंड टिनोक्सिकैम। अब यहाँ पे जो आपको फिफ्थ कैटेगरी में बताने वाली हूँ वो है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। जी हाँ, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में जो ड्रग है वो तीन ही ड्रग आती हैं, कीटोरोलेक, इंडोमेथासिन एंड नेव्यूमेटोन। नेव्यूमेटोन यहाँ पे जो है ड्रग इम्पॉर्टेंट है वो है इंडोमेथासिन, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो ट्रिक है वो है एसिडिटी हुई निक को। जी हाँ, आपको क्या याद रखना है, एसिडिटी किसको हुई, निक को हुई, निक किसी का भी नाम हो सकता है, तो यहाँ पे, या यहाँ पे आपको याद रखना है एसिडिटी से याद रखना है एसिडिक एसिड डेरिवेटिव। देखो एसिडिक है ना, एसिडिक यानी बहुत ज़्यादा एसिड का लेवल बढ़ गया तो क्या होगी, एसिडिटी होगी, तो यहाँ पे एसिडिटी यहाँ पे क्या हो गया, एसिडिक एसिड डेरिवेटिव में। ट्रिक कैसे याद रखोगे, एसिड एसिडिटी निक को ही, तो निक यानी एन आई के, निक, निक यानी नेव्यूमेटोन, इंडोमेथासिन एंड कैटोरोलेक। ये आपको तीनों ही ड्रग इंपॉर्टेंट करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। एंड देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, या तो कैटेगरी दे देगा ड्रग पूछ लेगा, या ड्रग दे देगा कैटेगरी पूछ लेगा, या ऐसा भी कर सकता है कि आपको ड्रग दे दिया मल्टीपल चॉइस को जो है वहाँ पे मल्टीपल चॉइस में आपको कैटेगरी के अलग अलग नाम दे दिए, या वहाँ पे आपको जो है कैटेगरी दे दी तो जो है एक ही कैटेगरी की कोई भी आप बोल सकते हो, एक ही कैटेगरी की जो सब कैटेगरीज होती हैं उनके अलग अलग नाम दे दिए तो आपको मेन कैटेगरी याद रह जाती है, बट जो सब कैटेगरीज हैं कई बार हम भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सब कैटेगरी तो बिल्कुल याद ही करना है। और मैंने मोस्ट ऑफ द ड्रग में, सारी ही ड्रग में मैंने सब कैटेगरी को बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आपको सब कैटेगरी के साथ ही जो है ड्रग याद रहे। कैटेगरी हम अच्छे से कर सकते हैं, कैटेगरी बहुत कम होती हैं, बट उनमें जो छोटे छोटे पार्ट्स देते थे सब कैटेगरी के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वही कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली जो हैं वो वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस करना है जो सब कैटेगरीज दी रहती हैं हर चीज़ में, उसको हमको अच्छे से याद करना है। ट्रिक से हो तो ट्रिक से, बिना विदाउट ट्रिक हो तो विदाउट ट्रिक, जैसे भी आपको याद करना है याद कर सकते हो। ट्रिक से करना है तो मैंने ट्रिक लिखी हुई है, मेरी याद ना हो तो अपनी बना लेना, और ना बने तो मुझे बोल सकते हो कि ये ट्रिक याद नहीं हो रही, आप हमें दूसरी ट्रिक बता दीजिए, तो मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे भी कमेंट्स आते हैं आप लोगों के उस अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वहाँ पर प्रॉपर चीज़ें बताती जाऊँगी, ताकि आपको बिल्कुल भी आपकी स्टडी में जो है दिक्कत ना हो, आप अच्छे से पढ़ पाएँ। अब बात करते हैं हमारी आखिरी सब कैटेगरी की। जी हाँ, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में हमारी आखिरी सब कैटेगरी है पैराजोलोन डेरिवेटिव। अच्छा, ये नाम आपने कहाँ पे देखा था, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जो अभी हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं वहीं पे देखा था। बट यहाँ पे ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो वहाँ पे सिर्फ पैरासिटामोल आ रही थी, ठीक है, जिसको एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, बट यहाँ पे पैराजोलोन डेरिवेटिव में दो ड्रग आती हैं। कौन कौन सी दो ड्रग हैं, फर्स्ट इज फिनाइल ब्यूटाजोन एंड सेकेंड इज ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। अब ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, फिनाइल ब्यूटाजोन, दोनों में क्या आया, जोन आया, ठीक है, जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, ये हमारे यहाँ भोपाल में इस टाइप के एरिया हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे जोन जो ड्रग हैं पैराजोलोन डेरिवेटिव में, एक तो फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, तो जोन वाली जो आप कैटेगरी ऐसे भी याद कर सकते हो कि प्यारा कौन है, प्यारा ऑक्सी
फिनाइल पीरा है या प्यारा क्या होता है, प्यारा जोन होता है, क्या होता है, जोन होता है। तो जोन वाली कैटेगरी की ड्रग पैराजोलोन डेरिवेटिव में आ जाएंगे। और ये आपकी कौन सी कैटेगरी है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। इसकी जो मेन हेडिंग है वो क्या है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो आपको ये जो है बहुत अच्छे से याद करना है। और देखो पहली वाली तो जो हमने थर्ड वाली सा कैटेगरी पढ़ी थी, एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेट्रिक विथ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेट्रिक में, वहाँ पे तो वो एक ही ड्रग थी पैरासिटामोल। बट यहीं पे आपको याद करने की ज़रूरत है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक क्या बता दी मैंने, प्यारा जोन होता है, पैराजोलोन डेरिवेटिव में जोन जोन वाली ड्रग आएंगी। सेकेंड क्या हो गया, अगर ऐसे भी याद नहीं करना है आपको, ड्रग ही याद करना है, तो प्यारा ऑक्सी फिनाइल पी रहा है, जो हमारा प्यारा ऑक्स है ना, यहाँ पे ऑक्सी की जगह आप ऑक्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारा ऑक्स फिनाइल पी रहा है, तो फिनाइल से कैसे याद रखना है आपको, कि प्यारा तो पायराजोलोन हो गया, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीफेन ब्यूटा जोन हो गया, और फिनाइल से फिनाइल ब्यूटा जोन हो गया। तो ये आपको यहाँ पे सारी ही ट्रिक याद हो जाएंगी। आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को जो है लेक्चर पसंद आया हो, ट्रिक्स पसंद आई हो, इंपॉर्टेंट जो भी मैंने आपको यहाँ पे ड्रग्स बताए हैं वो अच्छी लगे हैं। अगर नहीं, इसके बाद भी आपको कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। साथ ही आपने अगर अब तक हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है उसका फ्री PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है टेलीग्राम की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम की जो लिंक है आपको वहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए और भी लाते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा।